हेलो नमस्कार दोस्तों दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं 15 अक्टूबर 2020 की पांच बड़ी भर्तियों के अपडेट के बारे में, जिनके फॉर्म आपको जरूर भर लेने चाहिए। तो दोस्तों 10वीं और 12वीं पास के लिए बड़ी भर्तियाँ निकाली गई हैं, सभी राज्यों से वैकेंसीज हैं, सभी राज्यों के कैंडिडेट जो है इन भर्तियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया जॉब रहेगी, ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल कैंडिडेट इन भर्तियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड सभी राज्यों के से वैकेंसीज हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस तो मैं बात करने वाला हूँ पांच बड़ी भर्तियों के अपडेट के बारे में। तो हो सकता है कि आपके काम की वैकेंसी भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाए। सो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपने स्टेट का नाम और अपना नाम जरूर लिख दें, ताकि मुझे पता चल सके कि आप किस स्टेट से मेरी वीडियोस को सबसे ज़्यादा लोग देख रहे हैं और मैं उस स्टेट की वैकेंसीज पर सबसे ज़्यादा ध्यान दे पाऊँ। सो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं। यहाँ पर हमारी सबसे फर्स्ट नंबर की जो वैकेंसी आती है वो आती है एजुकेशन डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट से, एजुकेशन डिपार्टमेंट शिक्षा विभाग से वैकेंसीज रखी गई है। पोस्ट नेम की बात करें तो असिस्टेंट टीचर सहायक शिक्षक LT के पद पर ये वैकेंसीज हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात कर ली जाए तो 1431 पद रखे गए हैं। 44,900 रुपये से 142,400 रुपये पर मंथ आपको पे स्केल दिया जाएगा। ग्रेजुएट डिग्री धारक कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 21 से 42 साल एज लिमिट रखी गई है। एप्लीकेशन फीस से जनरल एंड उत्तराखंड OBC कैंडिडेट से 300 रुपये ली जाएगी। उत्तराखंड SC ST PWD कैंडिडेट से 150 रुपये ली एप्लीकेशन फीस ली जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस रिटर्न एग्जाम के आधार पर रहेगा। ऑनलाइन आप इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट आपकी ssc.uk.gov.in पर जाकर के अप्लाई कर पाएंगे। 19 अक्टूबर से आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे एंड 4 दिसंबर 2020 आपकी लास्ट डेट रहेगी। 6 दिसंबर तक आप जो है एप्लीकेशन फीस जमा करवा सकते हैं। अप्रैल 2021 में आपकी एग्जाम कंडक्ट करवाई जाएगी। सो ऑफिशियल नोटिफिकेशन एंड अप्लाई ऑनलाइन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी जो हमारी आती है वो आती है PWD लोक निर्माण विभाग से। ग्रेजुएट अप्रेंटिस के पद पर वैकेंसीज है एंड डिप्लोमा अप्रेंटिस के पद पर वैकेंसीज है। 280 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है। डिग्री एंड डिप्लोमाधारी कैंडिडेट इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्रेंटिस रूल्स के आधार पर आपकी एज लिमिट रखी जाएगी। मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। कोई भी एग्जाम आपकी कंडक्ट नहीं करवाई जाएगी, ना ही कोई एप्लीकेशन फीस ली जाएगी एंड ऑनलाइन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। tn.gov.in आपकी ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी एंड 19 अक्टूबर से 7 नवंबर 2020 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन अप्लाई ऑनलाइन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से आप इसके लिए डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी हमारी अच्छी है महिला विकास और बाल कल्याण विभाग से। आंगनवाड़ी वर्कर, मिनी आंगनवाड़ी वर्कर एंड आंगनवाड़ी हेल्पर के पद पर वैकेंसीज है। नंबर ऑफ वैकेंसीज 183 पद टोटल रखे गए हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में एंड 10वीं पास कैंडिडेट इस भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे। 21 से 35 साल एज लिमिट रखी गई है। AP आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। पूरे भारत से महिला और पुरुष कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। westgodavari.org पर जाकर के अप्लाई कर पाएंगे। 20 अक्टूबर 2020 आपकी लास्ट डेट रहेगी। ऑफिशियल नोटिफिकेशन अप्लाई ऑनलाइन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी हमारी आती है VMMC रिक्रूटमेंट से, मेडिकल कॉलेज से वैकेंसीज हैं। जूनियर रेजिडेंस के पद पर वैकेंसीज रखी गई हैं। 434 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। 56,100 रुपये आपको पर मंथ पे स्केल दिया जाएगा। MVBC रूल्स के आधार पर आपका जो है एज लिमिट रखा जाएगा। एप्लीकेशन फीस जो है 500 रुपये ली जाएगी जनरल कैटेगरी से, 250 रुपये ली जाएगी रिजर्व कैटेगरी से। ऑफलाइन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। रिटर्न टेस्ट के आधार पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। दिल्ली आपकी जॉब लोकेशन रहेगी एंड 30 अक्टूबर 2020 आपकी लास्ट डेट रखी जाएगी। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में अप्लाई ऑनलाइन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी जो हमारी आती है वो आती है GM से या रिक्रूटमेंट से, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से वैकेंसीज रखी गई है। रेसिडेंस पैथोलॉजिस्ट, सीनियर रेसिडेंस मेडिकल ऑफिसर एंड जूनियर रेसिडेंस और डेमोनोस्टे के पद पर वैकेंसीज हैं। 129 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज रखी गई है। MBBS, MD एंड DNB और MCH एंड MS डिग्री धारी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 40 साल एज लिमिट रखी गई है मैक्सिमम एंड SC ST कैटेगरी के लिए 250 रुपये एंड ऑल अदर कैटेगरी के लिए 500 रुपये एप्लीकेशन फीस ली जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस आपका रिटर्न टेस्ट के आधार पर रहेगा, इंटरव्यू के आधार पर रहेगा। ऑनलाइन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया जॉब रहेगी। 36 आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। 26 अक्टूबर 2020 आपकी लास्ट डेट रखी जाएगी। ऑफिशियल नोटिफिकेशन और अप्लाई ऑनलाइन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।
सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की रोपले टेस्ट, 5 बड़ी भर्तियाँ। वीडियो कैसी लगी है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही में वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। एंड अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही में आने वाले घंटे के बटन को जरूर दबा लें ताकि आगे आने वाली सभी गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। सो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद दोस्तों।